प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। हम क्लास फोर सब्जेक्ट EVS का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, अब्दुल इंदा गार्डन। तो आज हम शुरू करते हैं। डू यू नो डेजर्ट ओक इज़ ए ट्री दैट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। बोलते कि आप जानते हैं कि डेजर्ट ओक एक पेड़ का नाम है जो कि कहाँ पर है, जो कि कहाँ पर पाया जाता है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया में। इट ग्रोज ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लास रूम वॉल। बोलते ये लगभग उतना लंबा होता है कि जितनी आपकी क्लास रूम की क्या है, दीवार है। इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स। इसके बहुत ही कम पत्ते होते हैं। गैस हाउ डीप इट्स रूट्स गो डाउन। आपको गैस करना है, अंदाज़ा लगाना है कि आप इसकी जो जड़ें हैं वो कितनी डीप होंगी। इमेजिन द लेंथ ऑफ अबाउट 30 सच ट्रीज लेज डाउन इन ए लाइन एंड टू एंड एंड वन आफ्टर अदर। बोलते हैं कि इसी तरीके से आप अंदाज़ा लगाओ या इमेजिन करो, सोच सकते हैं कि अगर हम ऐसे 30 पेड़ को लाइन में रखेंगे एक के बाद एक, तो इनकी डीप्स कितनी नीचे तक जाएंगी। दिस इज़ हाउ लॉन्ग द रूट्स ऑफ दिस ट्री कैन बी। ये इस पेड़ की इसकी क्या है, इसकी जड़ें इतनी नीचे तक जाएंगी कि जितने 30 पेड़ हम रखेंगे, जितने 30 पेड़ हम एक के बाद एक रखेंगे, जितना वो उसकी हाइट होगी उसी लंबाई की क्या होंगी, इसकी जड़ें भी होंगी। दीज रूट्स गो डीप इन टू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर। बोलते हैं इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत ही नीचे तक ज़मीन में जाती हैं जब तक उसको पानी तक नहीं पहुँचती। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्री ट्रंक। जो ये पानी है वो कहाँ पर फिर जमा हो जाता है, जो इसका पेड़ का तना होता है, ट्रंक, तने को बोलते हैं बच्चों, उसमें ये जमा हो जाता है। लोकल पीपल न्यू अबाउट दिस। जो वहाँ के लोकल लोग रहने वाले, उसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको इसके बारे में पता होता है। व्हेन देयर वाज नो वाटर इन द डेजर्ट द लोकल पीपल यूज्ड टू पुट ए थिन पाइप इन द ट्रंक ऑफ द ट्री टू ड्रिंक दिस वाटर। बोलते जब उस इलाके में जब पानी नहीं होता तो वहाँ के जो लोकल जो रहने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, उस पेड़ के तने में पतली सी पाइप डाल के उसमें से पानी क्या करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, जैसे हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि इनको बच्चों वहाँ पर आप इसमें बताया गया था कि आप एक एक्टिविटी कीजिए, और बच्चों का ग्रुप बनाया गया था, उसमें कुछ सीड्स लेने थे और उन सीड्स को पानी में सोखना था और उसका देखना था कि उसका रिजल्ट्स क्या आता है। तो अगला टॉपिक है व्हाट ग्रोज। अब जो जिन जिन बच्चों ने वो एक्टिविटी की थी तो उन्होंने क्या क्या उसमें देखा। आरिफ एंड योहान डिड द अबव एक्टिविटी। आरिफ और योहान ने वो अबव एक्टिविटी की। दे सार द सीडलिंग्स। वो उन्होंने क्या देखा कि सीडलिंग जो उन्होंने बीज रखे थे उसमें से छोटे छोटे अंकुर जिसे बोलते हैं बच्चों, वो निकल गए, छोटे छोटे से पौधे प्लांट निकल आ रहे थे। व्हेन आस्क्ड व्हाट आर द थिंग्स दैट ग्रो, जब उनसे पूछा गया कि वो क्या चीज़ें हैं जो कि पैदा हुई या उगी हुई हैं, ग्रो हुई हैं। दे हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज अबाउट थिंग्स दैट ग्रो। उनके अलग अलग बहुत ही मुख्तलिफ आइडियाज थे, वो जो चीज़ें निकली थी बीज से, जो चीज़ें बनी थी उनके अलग अलग उनके बारे में आइडियाज थे। आरिफ मेड ए लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग लीव्स मुन्ना बर्ड पप्पी नेल फिश। आरिफ ने क्या बनाया, एक लिस्ट बनाई जिसमें क्या है लीव्स, जिस लिस्ट में उसने क्या क्या लिखा था, लीव्स मुन्ना बर्ड पप्पी नेल्स फिश। उसने जो जो इस बीच में से उसको प्लांट निकला था छोटा सा, उसने लिस्ट बनाया कि ये हो सकता है। और युवान लिस्ट हैड मून ट्री आई हेयर वाटरमेलन मॉस्किटो क्रो। उनके भी अलग अलग, युवान के भी अलग अलग आइडियाज थे। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, विच ऑफ दीज थिंग्स लिस्टेड बाई आरिफ एंड युवान ग्रो। बोलते कि जो जो चीज़ें आरिफ और युवान ने अपनी अपनी लिस्ट में लिखी है उसमें से क्या ग्रो हुआ हो सकता है। Why don't you make your own list of things that grow? बोलते हैं क्यों नहीं आप अपनी लिस्ट ही बनाते हैं जिससे पता लगता है कि जिससे जो जिसमें आप ये लिखोगे कि क्या है, इसमें क्या वो बीज में से क्या पैदा हुआ है या बीज में से क्या ग्रो हुआ है। Your list can include the names of things that are in Arif's and Yuan's list. बोलते हैं जो आप लिस्ट बनाओगे, जो उसमें आप लिस्ट में नाम लिखोगे वो किस में शामिल होंगे, किस किन लिस्ट में शामिल होगी बच्चों, वो नाम जो कि युवान और आरिफ ने बनाए। अब नीचे अलग अलग नीचे थोड़ी जगह दी है बच्चों जिसमें आपको ये लाइनें दिख रही होंगी, तो आपको वो उसमें वो लिस्ट बनानी है। थिंक अबाउट यूर सेल्फ, इन वट वेज हैव यू चेंज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हैव यू ग्रोन इन एनी वे फॉर एग्जांपल। बोलता है कि आप थोड़ा सा टाइम लीजिए और अपने बारे में सोचिए कि आपको समय के साथ आप किस तरीके से बदले हुए हो। हैज़ यूर हाइट इंक्रीज, क्या आपकी लंबाई बढ़ी है। How much taller have you grown in the last 1 year? आप पिछले एक साल में कितनी आपकी लंबे हुए हो। Imagine that you had never cut your nails dry. Picture of your fingers in the notebook to show
हाउ दे कुड हैव लुक्ड, बोलते कि आप ये इमेजिन करो कि आपने कभी अपने नाक को नहीं काटे हो, इसी तरीके से इसके बाद क्या करो, आप अपने हाथ पिक्चर फिंगर्स का पिक्चर ड्रॉ करो पे इस एक पेपर पे, और उसमें ये दिखाओ कि आपके नाखून किस तरीके से दिखते हैं। वट अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी कीप्स ग्रोइंग, आपके शरीर का और कौन सी बाकी कौन सा हिस्सा है कि जो लगातार बढ़ता जा रहा है। सम पीपल कट इट रेगुलरली, कुछ लोग अपने जो नाखून है उसको क्या करते हैं काटते रहते हैं। तो थैंक यू बच्चों, इसी के साथ आपका एक चैप्टर ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं तो वो करेंगे। थैंक यू।